ये बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आप कैसे मतलब ठीक करते हैं? देखिए अभी सभी ग्रहों के कारकत्व होते हैं, जैसे अगर आपके पैर में दर्द है तो इसका मतलब कि केतु खराब है। अच्छा। जैसे अगर किसी को डेंगू बुखार हो रखा है तो इसका मतलब कि अगर आपने भी थोड़ी बहुत जानकारी रखी होगी तो ब्लड के प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही है, ब्लड का कारक है मंगल ग्रह, तो जैसे ही अगर आपको बताया जाए कि इसको डेंगू है, इसका मतलब डॉक्टर तो यही बोलेगा उसका प्लेटलेट्स डाउन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हम बोलेंगे इसका मंगल जरूर प्रॉब्लम में है, यानी कि मंगल ग्रह से रिलेटेड इशूज है, तो हम मंगल को ठीक करेंगे। इस दरमियान वो डॉक्टर के सलाह लेंगे ज़्यादातर कि आपके सलाह लेंगे? हम बोलेंगे दोनों सलाह लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अगर दवाई ले रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक टूल की तरह काम करता है। टूल का मतलब क्या है? आपको सपोर्ट देना। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मंगल का जो कारकत्व है वो रेड कलर होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। जैसे मेरे एक दोस्त के बच्चे को डेंगू हुआ था तो उसने मुझे फ़ोन किया कि उसे डेंगू हो गया। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैंने उसको सीधा ये बोला कि बच्चे को अगर जो लाल कपड़ा आपने पहनाया सीधा उसको रिमूव कराओ, दूसरे कलर का कपड़ा पहनाओ। उसने ये मुझे बताया कि उसने लाल रंग का ही कपड़ा पहना हुआ है। तो अक्सर होता है, मुझे ऐसे कैसे मालूम चला, ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। मंगल खराब है इसका मतलब वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर डॉक्टर बोल देता है कि आपको मीठा नहीं खाना है तो आपको मिठाई देखते ही मन में लालच आ जाएगा, ठीक उसी तरह जो ग्रह खराब है उससे रिलेटेड चीज़ें आप करते ही रहते हैं वो अपने आप आपके पास चल के आएगा। अगर आपको लाल रंग वर्जित है तो आपको लाल ही पसंद आएगा, तो तुरंत उसने लाल कपड़ा हटा के दूसरा कलर पहनाया, तो वो एक सपोर्ट होता है। मेडिसिन लीजिए, आप इलाज कराइए, लेकिन ये टूल की मदद करने से आपको हर चीज़ में उसका ज़्यादा फायदा मिलता है।